नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस पटवारी या अन्य एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आपने ये काम नहीं करवाया तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। कुछ नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नया नियम लागू हुआ है और क्या नया नोटिस आया है। दोस्तों, एग्ज़ाम से संबंधित एक स्पेशली जो नोटिस है वो साइट पर डाला गया है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा। जो सबसे मेन चीज़ है, नई ऐड क्या की गई है ये देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपियर इन रिटन एग्जामिनेशन टू बी एडवाइज टू गेट थम सेल्फ वैक्सीनेट अगेंस्ट कोविड कोरोना इमिडिएटली एंड सेल्फ ब्रिंग आल्सो ब्रिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या बताया गया है मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास जो है कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आपको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना होगा। ये एडवर्टाइज जो है एडवाइज लिखी हुई है। इसके अलावा जो सेम रूल पहले थे वही है। एक और चीज़ इसमें क्या है, आपको फेस मास्क लगा के जाना है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और दो रिसेंट कलर फ़ोटो भी आपको साथ लेके जानी है। इसके अलावा जो बाकी रूल रेगुलेशन है वो सेम ही है, आप देख सकते हैं। ब्लैक ब्लू पेन वगैरह ये सारी चीज़ें, आपको क्या क्या करना है, फॉर्म अटेस्टेड करवाना है एडमिट कार्ड को या जो भी है, तो आप वो सारी चीज़ें इस नोटिस में देख सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस मिल जाएगा। 7 जुलाई 2021 का ये नया नोटिस है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।